हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। सुपर टेट एग्जाम के लिए बाल विकास की आज से क्लास शुरू हो रही है, जिसमें आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो 10 नंबर के लिए आपकी बाल विकास पूछी जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास, सुपर टेट की क्लास में आज से बाल विकास शुरू होने जा रहा है, जिसमें 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज आपका टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ समानता अवश्य होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संसार में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति ऐसे नहीं है, दो से अधिक नहीं है, जिनकी आपस में एक जैसे हो समान। कोई अगर अलग अलग उनकी भिन्नता होती है, कोई शरीर से उसकी भिन्नता होती है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, या बुद्धि से भी उसकी भिन्नता अलग अलग होती है, अलग अलग भिन्न अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो पॉइंट अगला है, यानी कथन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। और ये कथन है वो किसका है? स्किनर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट अगला है आपका कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। और ये कथन है वो किसका है? ये है टॉयलर का। अगला पॉइंट है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका पॉइंट कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। अब व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रकार की होती है? बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता, शारीरिक विकास में भिन्नता, उपलब्धि में भिन्नता, अभिवृत्ति में विभिन्नता, व्यक्तित्व विभिन्नता, गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता, लिंग विभिन्नता, जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। तो विभिन्नता इतने प्रकार की होती है, बुद्धि, शरीर, उपलब्धि, अभिवृत्ति, इन सभी के आधार पे। आगे बढ़ते हैं कि वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र। अब शारीरिक क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? शारीरिक भिन्नता है, गत्यात्मक योगात्मक भिन्नता है, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी शारीरिक में। मानसिक में कौन कौन से आ जाती है? मानसिक में बुद्धि भिन्नता है, उपलब्धि भिन्नता है, अभिक्षमता है, विशिष्ट योग्यता भिन्नता है, तो ये आ जाती है आपकी मानसिक भिन्न क्षेत्र में। संवेगात्मक क्षेत्र में संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, अभिव्यक्तियों में भिन्नता, ये आ जाती है आपकी संवेगात्मक में। अब सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता, जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता, आत्मधारणाओं में भिन्नता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव तथा महत्व क्या है। तो नंबर एक है छात्रों का वर्गीकरण करने में, दूसरा है व्यक्तिगत शिक्षा में, तीसरा है शिक्षण में, और चौथा है बालकों की रुचि में, पांचवा है कक्षा के आकार में, छठवां है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण में, सातवां है बालकों को गृह कार्य वितरण में, आठवां है बालकों के रुचियों का विकास करने में, नौवां है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट अगला है आपका व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, कि व्यक्तिगत के आधार पर हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। वंशानुक्रम, क्योंकि कोई व्यक्ति एक वंशानुक्रम से अलग है, कोई अलग है। वातावरण, जाति प्रजाति व देश, आयु व बुद्धि आदि, ठीक है। अगला है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। अब शिक्षण प्रविधि कौन कौन सी है? प्रोजेक्ट प्रणाली है और दूसरी आपकी डाल्टन प्रणाली। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो आपके हैं क्रिक पैट्रिक।
दूसरा है आपका डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो डाल्टन के हैं मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। अगला है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो किंडरगार्टन के हैं आपके फ्रोबेन। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, तो ये खेल के द्वारा दी जाती है और इसके जन्मदाता हैं वो कौन है, फ्रोबेन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका स्मृति। आखिर में स्मृति क्या होती है, स्मृति मीन्स होता है याद, यानी पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही क्या है, स्मृति है। और ये किसने कहा है, तो ये कहा है बुडवर्थ ने। बुडवर्थ ने कहा है पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही क्या है, स्मृति है। अगला पॉइंट है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये कहा है मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कहा है स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं को याद करने कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीत के हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका संवेदी स्मृति का समय कितना होता है, तो संवेदी स्मृति का जो समय होता है वो 4 सेकेंड तक होता है। अगला है अल्पकालीन स्मृति कितने अवधि की होती है, तो ये होती है 20 सेकेंड तक की। अगला पॉइंट है स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, तो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली है वो आपकी है पहचानना। ठीक है, पॉइंट अगला है कि स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग एविंग हाश ने किया था, किसने किया था, एविंग हाश ने। अब स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति और इंद्रिय अनुभव स्मृति। तो ये स्मृति के प्रकार हैं। अब स्मृति के अंग भी हैं, तो स्मृति के कौन कौन अंग हैं, स्मृति के आधार पर अथवा अंग, स्मृति के 4 अंग हैं। कौन कौन, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचानना। यानी सीखना, उन्हें अपने अंदर धारण करना, फिर उनका स्मरण करना, दोहराना, फिर उन्हें पहचानना, ये स्मृति के 4 अंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि स्मृति का अंग नहीं है, तो स्मृति का अंग कौन नहीं है, तो चिंतन जो है वो आपका स्मृति का अंग नहीं है। अगला है कि अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों की विस्मृति, विस्मृति मीन्स होता है भूलना। अगला पॉइंट है वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है क्रमबद्ध रूप से, किस तरीके से याद किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से। अगला पॉइंट है पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है, तो पुनः स्मृति में बाधा कौन, भय है, चिंता है, परेशानी है। भय और चिंता और परेशानी के कारण व्यक्ति जो पुनः अपनी बातों को स्मृति यानी याद नहीं कर पाता, वो भूल जाता है। पॉइंट अगला है सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्मृति चिन्ह। अगला पॉइंट है अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, बताया है शीघ्र याद होना। ये था आपका स्मृति। आप देखेंगे विस्मृति, आखिर में विस्मृति क्या होती है, मैंने बताया भूल जाना, यानी भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। विस्मृति 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक सक्रिय विस्मृति और दूसरी आपकी निष्क्रिय विस्मृति। पॉइंट है जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सक्रिय विस्मृति। अगला पॉइंट है सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही क्या है, विस्मृति कहलाती है। अगला आपका पॉइंट है कि विस्मृति के कारण क्या क्या हैं, मानसिक मानसिक द्वंद है, अनाभ्यास का है सिद्धांत, मानसिक आघात है और दमन सिद्धांत है, इनके कारण विस्मृति हो जाती है। अब जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे कहते हैं निष्क्रिय विस्मृति, यानी प्रयास नहीं कर रहा है, यानी कोई क्रिया निष्क्रिय है, कोई क्रिया कर ही नहीं रहा है, तो कैसा है, निष्क्रिय विस्मृति है। अगला है विस्मृति के कारण। अब विस्मृति के कारण कौन से, बाधा, दमन, अनभ्यास,
समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का प्रयोग, स्मरण करने की इच्छा, इनके कारण क्या होता है? विस्मृति हो जाती है, जिसके कारण लोग भूल जाते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों को हम करेंगे। प्रश्न आपका एक है कि विस्मृति कम करने के उपाय क्या हैं, हम विस्मृति को कैसे कम कर सकते हैं। आंसर है, पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेलडार्ड ने 1963 ने विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। यानी हम किसी पाठ को पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराते हैं तो जो विस्मृति है यानी भूल गए हैं उसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण रखने में असफलता क्या कहलाती है? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता मैंने बताया क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है, जिससे कोई तथ्य याद नहीं हो पाता। इस दोष को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। प्रश्न अगला है आपका कि स्मरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो स्मरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं? मिश्रित विधि एवं विचार साचर विधि दोनों ही आपकी कैसी हैं? स्मरण करने की मुख्य विधियां हैं। प्रश्न आपका अगला है कि कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है। पहचान है, धारण है तथा पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है? तो वुडवर्थ ने कहा है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। बार बार वही पढ़ रहे हो कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है स्मृति से संबंधित। आगे बढ़ेंगे। कल्पना, अब बात आ गई है आपकी, कल्पना किसे कहते हैं? तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या है? कल्पना है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है मैकडूगल ने। यानी कल्पना, जैसे हमने पहले कोई वस्तु देखी और अब उस वस्तु की वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपका? कल्पना कहलाएगा। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ये क्या है? डम्बिल ने। अब कल्पना की परिभाषा क्या है? जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है वही क्या है? वही आपकी कल्पना है। मैकडूगल ने कहा है दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या है? कल्पना है। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट 1, जिसमें हमने आपको स्मृति, विस्मृति, कल्पना, इन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा की। अब हम आगे आपका जो पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें हम आगे देखेंगे। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।